अगर आप ब्रह्मांड की प्रकृति को जान जाते हैं तो अचानक आपके काम करने का तरीका और आपका इस ब्रह्मांड के साथ संबंध पूरी तरह से बदल जाता है। इसके लिए काशी जाना जरूरी है? नहीं, जरूरी नहीं है। पर देखिए, आप कहीं भी सेहतमंद हो सकते हैं, पर कई लोग बीमार होने पर अस्पताल जाते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी जगह है जहाँ कुछ साधन, सुविधाएं, दवाएं और एक्सपर्टीज एक ही स्थान पर उपलब्ध होते हैं। तो काशी भी एक ऐसी जगह है जहाँ एक पूरी व्यवस्था थी, जहाँ ज्ञान था, जहाँ सिस्टम थे, जहाँ तरीके थे, अलग अलग तरह की क्षमताएं थीं, सब कुछ। एक समय था जब वहाँ हर तरह के विशेषज्ञ रहते थे। मानव जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज है अपने शरीर की सीमाओं को जानना। आप कल पैदा हुए थे और कल दफन हो जाएंगे, जीने के लिए बस आज का दिन है, यही अस्तित्व की प्रकृति है। और इससे पहले कि मृत्यु आ जाए, जीवन खिलना चाहिए। तो हर संभव तरीका जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं, हमने इसे पूरे देश में स्थापित किया था। ऐसे कई तंत्र हैं, उनमें से अधिकांश दुर्भाग्य से टूट गए हैं, जिनमें ये भी शामिल है जो काफी हद तक भंग हो चुका है, पर इसका ऊर्जा वाला हिस्सा आज भी मौजूद है। ये पूरी तरह नहीं पर ठीक ठाक जीवित है, क्योंकि हम जब भी ऐसे स्थानों की प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, ध्यानलिंग भी ऐसा ही है। ऊर्जा उसकी बनावट में नहीं है, बनावट बस एक मचान है। काशी के बारे में आम तौर पर कहा जाता है, पौराणिक कथा में कहा जाता है, काशी शिव के त्रिशूल पर टिकी है, न कि जमीन पर। मैं अपने अनुभव में जो भी देख रहा हूँ उसके हिसाब से काशी की असली बनावट जमीन से करीबन 33 फीट ऊपर है। अगर हमें कोई समझ होती तो हमें 33 फीट से ऊपर कुछ भी नहीं बनाना चाहिए था। But we have... पर समझ की हमेशा कमी रही है। हाँ, दुनिया में इस चीज की हमेशा कमी रही है, और मेरे ज्यामितीय हिसाब से ये 72 या 7200 फीट तक ऊंची हो सकती है। ऊर्जा की बनावट ऐसे बनाई गई है, तो इसीलिए उन्होंने इसे प्रकाश स्तंभ कहा, क्योंकि जो देख सकते थे उन्होंने देखा कि ये एक बहुत ऊंचा ढांचा है। And it did not stop there. It gave you access to what is beyond. The idea is... और ये कहीं नहीं रुकता, इसने आपको परे की चीज तक पहुंच दी। इसका लक्ष्य है कुछ ऐसा बनाना जो एक इंसान अपने भीतर एक संगठित सिस्टम की मदद से हासिल कर सकता है। सिस्टम जो हजारों वर्ष के कई कई लोगों के आत्मज्ञान के सार तत्व से तैयार हुआ है। अगर आपको चीजें खुद महसूस करनी है तो ये पहिए का फिर से आविष्कार करने जैसा है। आपको गैर जरूरी रूप से दर्दनाक प्रक्रियाएं झेलनी पड़ेंगी, पर अगर आपको दूसरे के ज्ञान की मदद से महसूस करना है तो आप में विनम्रता होनी चाहिए, आपको झुककर वहां पहुंचना होगा। इसलिए ये व्यवस्था इसलिए की गई थी ताकि काफी लोगों को ले जाया जा सके। तो लोग आए और उन्होंने हर तरह के तरीके और तंत्र स्थापित किए। एक समय था जब 26,000 से अधिक मंदिर थे, हर एक में एक उसका अपना तरीका था जिससे मनुष्य आत्मज्ञान प्राप्त कर सकता है। इन 26,000 मंदिरों से जुड़े छोटे छोटे मंदिर विकसित हो गए, यानी मंदिर के कई कोण अपने आप में छोटे छोटे मंदिर बन गए। और एक समय था जब यहाँ 72,000 मंदिर थे।